बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें जो है वो लास्ट केस के अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना सीख लिए। तो आज मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हो। तो उसमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जब मैं पिछला लेक्चर दे रहा था तुम लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर था, तो उसके अंदर मैंने इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। मैंने कहा था कि सबके बारे में निकाल दो कि इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा यूज हुआ है, ऑक्सीजन का कौन सा यूज हुआ है। तो यहां पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहा हूं सल्फर का। ये ध्यान से आप समझ जाओगे कि मैंने किस नियम ठीक है इसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ये ना कि बाद में तुम लोग आओ बड़े हमें फाइंड करना आ रहा है। मैं इसलिए तुम लोगों को बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि क्लास में लेक्चर देना और बात है, वहां पर तो तुम लोगों के साथ साथ मैं टुकाई कर लेता हूं ना, तुम लोगों की तबीयत साफ कर लेता हूं, तो यहां पर तो नहीं हो सकती। तो इसलिए ध्यान से बात सुनो। तो ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर हमें फाइंड करना है सेम लाइक उसी तरीके से मैंने बताया था। दो चीजों की जरूरत है, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता होना चाहिए और हमें रिलेटिव नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। अब यहां पर एल्यूमिनियम प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास एल्यूमिनियम हमने फाइंड किसका करना है, ठीक है ना, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता कि इस कंपाउंड में इसका कैसे, तो मैं कहूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है, सिक्स भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें भी पता कितना यूज हुआ तो निकालने में नहीं आता। तो यहाँ पर इसके दो एटम है और इसकी वैलेंसी होगी थ्री। सल्फर के यहाँ पर ये तीन इसके साथ भी काउंट होंगे कि इसके यहाँ पर इसकी थ्री एटम्स है, लेकिन हमने ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है। इसलिए मैं यहाँ पर सपोज कर देता हूँ, सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वाई, मैंने वाई सपोज कर लिया है। तो यहाँ मेरे पास वाई लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर हमारे एक को, ठीक है।
ये जो पहले चार रूट्स हैं, ये वन टू ये थ्री है, ये फोर है, ये चार रूट के जो एलिमेंट्स है ना, इनकी वजह से नंबर हमेशा इसी के रूट नंबर के इक्वल होती है। ये रूट्स में मैंने बात बता दी सकते जहन में भी रही। अभी जो तीन रूट अगले हैं 15, 16 एंड 17, ठीक है ना, एक तो इन एलिमेंट्स की इस ग्रुप की एलिमेंट की वैलेंसी इस ग्रुप नंबर के इक्वल है, और दूसरी बात ये होती है कि टोटल जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में से इनके ग्रुप को माइनस करो। फॉर द टोटल ग्रुप आप कहते हैं ए, यानी इस ए को रेफर करते हैं, है वो ए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि 15 वाला इन के 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन के लिए रेफर पाए जाएंगे 5, यानी वो 5 इलेक्ट्रॉन है, और इनकी वैलेंसी जो है वो 5 हो सकती है, 6 भी होगी, अब ये नहीं है ना 15 वैलेंसी है, 16 है नहीं, 5 वैलेंसी होगी, इस ग्रुप के जितने एलिमेंट होंगे 6 वैलेंसी भी होगी, और इस ग्रुप के जितने एलिमेंट होंगे 7 वैलेंसी भी होगी। लेकिन सेकंड बात कि ये जो तीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन इन अगर तुम इसकी सेकंड वैलेंसी टोटल ग्रुप में से उनका ग्रुप नंबर माइनस कर दिया जाता है, अब ये ग्रुप तो बने नहीं, एक ग्रुप है तो 18 में से 15 का वाला कितना आ गया 3, तो इसलिए इस ग्रुप की वैलेंसी 3 भी होगी, यानी 5 भी होगी 3 भी होगी, और इसकी 6 भी होगी, तो 18 में से 16 जाएगी 2 आ जाएगा, 8 में से 6 के 2 आ गए, अब इसके 7 भी है और इसकी वैलेंसी 1 भी है, दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तो अपने ग्रुप नंबर के बराबर और दूसरा टोटल ग्रुप में से उनका ग्रुप नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर आपका बचेगा वो भी इसी ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी बनेगी। इस वजह से सल्फर की वैलेंसी 6 भी है और इसकी वैलेंसी क्या है 2 भी है, लेकिन रियल में इसकी वैलेंसी कितनी होती है सिर्फ 2 होती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 क्योंकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं 13 एंड 14 ये सब नॉन मेटल्स, फिर नॉन मेटल है, इसमें नॉन मेटल है, इसमें भी, इसमें इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स से मेटल्स हैं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये वाला ग्रुप भी, ये वाला ग्रुप भी, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी माइनस की होती है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ही लेता माइनस की होती है, इसके पास 7 है तो ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ज्यादा समझ आ सकता है बाकी ये अपने जहन में दो बात करता, तो इस वजह से मैंने कहा क्लियर करने की आपसे सीखना है, क्योंकि इसकी वैलेंसी माइनस की है, माइनस टू की है, वो तो मैंने बताया कि इसमें इसकी कौन सा ऑपरेशन पर यूज हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीजन का है तो 3, इसके एटम कितने हुए 12 एटम हुए, और इसकी हमने फाइंडिंग की है, इसके लिए मैंने एक्सपोज किया है वाई कर लो एक्स कर लो कुछ भी कर लो, 6 प्लस 12 वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ गया वाई 0, y 0 over 12, ये हमारे पास 0 जो है वो आउट होगा 1 के, इसके इक्वल का आउट होगा 1 के, क्यों इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है ना ये हमारे पास वैलेंसी माइनस 2 भी रखती है, माइनस 1 भी रखती है, माइनस 1 ओवर 2 भी रखती है, और इसके अलावा हमारे पास ये माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनus 7 etc, ये सब ऑक्सीडेंसेस रहती है, और इनकी ये जो वैलेंसी आती है ना ये रिएक्शन के ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम लोग का टॉपिक नहीं है, ये ऑर्डर्स की बेस पर हम वैलेंसी बनाते हैं, तो जाके यहाँ पे वो बात बता दी थोड़ा है ये, तो लिहाजा यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी हमारे पास आएगी, क्योंकि ये जब हमारे पास 0 आ गया तो ये 1 काउंट होगी, तो ये 1 हमारे पास जो काउंट होगी 0, लेकिन वो 0 हमारे पास किसके इक्वल होगी, ये माइनस 1 के काउंट होगी इक्वल, लेकिन इसमें भी बात है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का मेथड है, लगी समझ में कोई बात नहीं, किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट जो शॉर्ट से जिसके अंदर तुम लोग का टॉपिक दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तुम लोगों को अगर याद हो तो
तो शायद मैंने इसके बारे में तुम लोगों से पहले कभी गुफ्तगू की होगी, कभी की हो शायद, याद नहीं मुझे, पर हम पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। ये होता क्या है, इससे पहले तुम लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि मैंने ऑक्सीडेशन की बात की थी जब ये टॉपिक शुरू किया था, और दूसरी बात की थी मैंने रिडक्शन की, याद है सबको, उन्होंने कहा, और मैंने कहा था कि जितनी तुम्हारी मेटल्स हैं वो ऑक्सीडेशन को शो करती है, और जितनी तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं वो रिडक्शन को जो है शो करती है। रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस है, और ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का प्रोसेस है। अब देखोगे हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और ये हमारे पास क्या करती है, रिमूव करती है। तो वो एलिमेंट्स जो कि रिडक्शन प्रोसेस को शो करते हैं वो सब के सब कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, पहले डेफिनेशन ये कर रहा हूं, एलिमेंट्स विच शो रिडक्शन इज कॉल्ड, ये मैं तुम लोगों को मुख्तसर एग्जांपल जब मैं बात बताई कंप्लीट बात कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। All elements which show reduction process is called oxidizing agent। तो बात समझ में आती है कि जितनी तुम्हारी नॉन मेटल्स हैं वो सब की सब क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाती है। एक डेफिनेशन ये, अ सेकंड, इस अब थोड़ा सा बात को समझ लो कि मैंने बताया जो रिडक्शन शो करती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं अपनी रिडक्शन करते हैं और सेकेंडरी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अब जिंक है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो इसलिए जिंक हमारे पास क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में बताया है क्या करती है, रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये ना रिडक्शन प्रोसेस को शो करती है। अब जिंक जो है अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जिंक आयन बन जाएगा। ठीक है, अब जिंक की यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब दूसरी तरफ क्लोरीन के दो एटम्स हैं, अब क्लोरीन के दो एटम हैं, तो ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, दूसरा एक दोनों के रिलेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, सेवन सेवन, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है जिंक, सही है, वो कौन गेन करेगा, ये दोनों क्लोरीन के एटम्स को गेन करके आप यहां पर किस फॉर्म में चेंज करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। अब देखो कि यहां पर जिंक के साथ जब तुमने क्लोरीन का रिएक्शन करवाया तो क्लोरीन ने मजबूर किया, क्योंकि जब तक ये रिएक्शन नहीं होगा तो रूल्स के मुताबिक इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, लेकिन जैसे क्लोरीन ने ऐड किया, क्लोरीन ने इसको मजबूर किया कि आपने इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो एजेंट जो दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे और खुद की क्या कर ले, रिडक्शन कर ले। मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि वो तमाम एलिमेंट जो रिडक्शन को शो करते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन में थोड़ा मैं खोल के बयान कर रहा हूं कि वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम एजेंट्स जो के दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर दे और खुद की क्या कर ले, रिडक्शन कर ले, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। खुद की क्या करे, रिडक्शन करे, दूसरे एलिमेंट की क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और खुद इलेक्ट्रॉन को हासिल कर ले, अपनी रिडक्शन करे, दूसरी क्या करे, ऑक्सीडेशन करेगी, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तो वह हमारे पास एजेंट्स कर कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। द एजेंट आर एलिमेंट्स which oxidize other element and
रिड्यूस्ड और अपने आप को रिड्यूस कर लिए, वो हमारे पास एजेंट्स क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। बड़ा समझ आ गया इसका मतलब बात की। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है, इस नाम हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहां पर मैं जो किताब के अंदर हमारे मेरे ख्याल एग्जाम्पल्स दी नहीं है, तो एग्जाम्पल्स को लोग खुद भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल लिखा हूं समझाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। चलिए ये इतना हो गया साफ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो एग्जाम्पल में इकट्ठी बात करें दे सकोगे कि भाई ये ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन हो रही है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी। तो बाकी मैं हर लेक्चर में ये बात कह रहा हूँ कि जिनको मजीद अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कॉलेज में आ सकते हैं समझने के लिए, सिर्फ उनके लिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो है बस इसको समझे और इसको याद करते जाए बता सकता हूँ हम नास्ते को। तो ये आज के तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो शॉर्ट सिलेबस के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बात करूँगा उसके ऊपर।